और लोगों का रिएक्शन ऐसा है जैसे लोग हम लोग को पागल समझ रहे हैं, मतलब ये कैमरा लेके क्या बक बक बोल रहा है। बहुत प्यार से हम लोग के लिए बनाए हैं। ये हमारे गांव का जो है बहुत बड़ा नाम है। यहाँ नेपाल में जाना चाहिए और एक ही जगह हाल कितना बेहाल हो पा रहा है हम लोग का। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गाइस, आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही मस्त व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं अपने गाँव के एक बहुत ही मस्त फेमस प्लेस में आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ एंड बहुत सारे हम लोग फन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। एंड गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लान करके रखा हूँ, अब मैं भी आप लोगों को डेली व्लॉगिंग देने वाला हूँ फ्यूचर में। तो नीचे लाल बटन है उसे दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में सभी व्लॉग्स बिल्कुल फ्री में मिल जाए डेली। तो हाँ, बने रहिए व्लॉग में, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग व्लॉग में बने रहिए, आज मेरा साथ मेरा दोस्त जाएगा चुका है। आप लोग जानते होंगे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा बीरू। तो हाँ गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए एंड चलते अपने लोकेशन की ओर और आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत मस्त ब्लॉग होने वाला है गाइस। तो दोस्तों, हम लोग सोच रहे थे थोड़ा ठंडा पीले, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भैया बनाएंगे आज मस्त एकदम शरबत। उसे देख रहे हैं तो भैया के यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, कृष्णा नदी के सामने सामने ही भैया लगाते, देख लीजिए वो ऑरेंज बहुत सारे केमिकल भैया मिला रहे। तो हमारा शानदार कोल्ड ड्रिंक बनकर रेडी है, बहुत प्यार से हम लोग के लिए बनाए हैं। देखिए बनाने का स्टाइल कैसा है बीरू? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब मेरी बारी है दोस्तों, ये देखिए एकदम मस्त। आप लोग रेस्टोरेंट में जैसा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ठीक वैसा ही है। तो गाइस, ये हमारा छोटा सा मार्केट है, सब्जी मंडी है बीरू। हाँ, बहुत छोटा सा है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आगे दिखाता हूँ आप लोगों को, आगे हमारा जो बस पार्क है वो है। ये देखिए गाइस, ये हमारे गांव का जो है बस पार्क है, हमारे गांव का बस पार्क है ये। यहाँ से आप बस पार्क लोकल एरिया में जा सकते हैं। तो गाइस, हम लोग सोच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर जाने के बाद हम लोग थोड़ा खाने पीने का सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे बीरू ले रहा है सामान, मौसम एकदम मस्त है गाइस, आप लोग दिखाते हैं। समोसे ले लेते हैं हम लोग खाने पीने के लिए और पिकनिक की तरह हम लोग वहाँ पर पेमेंट कर दो पेमेंट। तो गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने खाने पीने का सामान तो ले लिया है, ये देखिए यहाँ पे बैठ के मस्त एकदम बैठ के खाएंगे ना, बिल्कुल पिकनिक मना कर वहाँ पर बैठ के खाने वाले हैं। और समोसा लिया हम लोगों ने खाने के लिए। गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं अपने गाँव का जो नहर है, पोखरी हम लोग बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, देखिए गाइस पूरा यहाँ पर सुखा दिया गया है, उतना लंबा है। देखिए यहाँ पे कोई कोई फेस्टिवल होता है ना, दुर्गा पूजा, उस समय यहाँ पे मूर्ति भी बनाया जाता है। बाबा साहेब का मंदिर है, तो दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद लेना जरूरी है। सो गाइज, अभी हम लोग जब ब्लॉग कर रहे हैं यहाँ पर, इतना धूप में हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं मार्केट में, और लोगों का रिएक्शन ऐसा है जैसे लोग हम लोग को पागल समझ रहे हैं, मतलब ये कैमरा लेके क्या बक बक बोल रहा है, ऐसे लोग का रिएक्शन। तो उन सबको इग्नोर करते हैं, अपने काम पर फोकस देते हैं। क्या हुआ था हम लोग भी देखना है। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर हमारे गांव का जो अदालत है वो भी आप लोगों को आगे दिखाता हूँ आप लोग, तो लाइक करना यार। गाइस, ये हमारे गाँव का जो है बहुत बड़ा अदालत है। गाइस, ये देखिए, ये हमारे गाँव का जो है अदालत है। तो अभी देख लीजिए आप लोग बाहर से। तो गाइस, इस ब्लॉग के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। एक दिन हम लोग फिर से आए थे लगभग 10 मिनट का ब्लॉग शूट करने के बाद, हम लोग पैदल आए दो घंटे तक, मतलब बहुत देर से हम लोग धूप में। यहाँ पे अभी तो थोड़ा धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पसीना। और ऐसे ही गाइस, हम लोग एक बार फिर आए थे पैदल, इतना धूप में ब्लॉग शूट करके 10-15 मिनट का ब्लॉग बना करके पूरा फाइल ही क्रॉस। इतना दिमाग खराब हो रहा था, क्या बताया गाइस, इतना मेहनत लगता है ब्लॉगिंग करने में, एडिटिंग वेडिटिंग में, और अगर पूरा डिलीट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितना दुख लगता है। पर कोई नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एक है फिर दूसरा बना लूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक कर देना यार, बीरू का एक सपना है ऐसा घर। बीरू ऐसा घर बनाएगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोग, एक और चीज़ वहाँ पर देखिए, टंकी है गाइस, यहाँ पर देखिए पानी टंकी, जूम करके दिखाता हूँ आप लोग। ये हमारे गांव का जो है
पानी टंकी है शायद से एक ही है, एक एक दो है यहाँ पे, एक ही है गाइस, एक ही है, वो यही है। आप बोलोगे तो वहाँ ऊपर तक चढ़ के आप लोग को टूर दूंगा। आप लोग को शेयर कर देना है, कमेंट करके बताना है किस चीज़ का ब्लॉग चाहिए, सभी ब्लॉग बना दूंगा गाइस। आप लोग एक चीज़ बता दूँ, आप लोग अगर काठमांडू जाना है, काठमांडू यहाँ पे नवलपुर के बाद सभी रूट खुल जाता है नेपाल, ओवरऑल नेपाल जाने का, तो सामने से आप लोग वहाँ से जाता है सब, और हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से हम लोग टर्न कर लेंगे राइट, ये हमारा जो टर्निंग है यहाँ से वो चले गए आगे, यहाँ नेपाल में जाना है जाइए, और यहाँ से हमारा टर्न हो चुका है। इसलिए हम लोग को जाना है लगभग 5-10 मिनट चल के आगे जाना है अभी, और तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। सो गाइस आप लोग को दिखाते हैं हम जो डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, वो रास्ते में एक नहर यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मौसम कितना ज्यादा मस्त है, पूरा बारिश लगाया हुआ एकदम मजा। दोस्तों मौसम एकदम खतरनाक है, यहाँ पर पूरा बारिश का माहौल बना है, एंड देखिए वहाँ पे बीरू जा रहा है सामने तरफ। चलिए मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत मस्त है। आपको एक बात पता होगा कि ये जो बंदा है, ये वीडियो बना रहा है बंदा, ये बंदा मेरा भाई है, मेरा दोस्त, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस, ये पढ़ा के मोबाइल किना है गाइस, ये सच बात है, इसने पढ़ा के अपना पैसा से मोबाइल किना है, और ये यूट्यूब में आया, इसका एक और चैनल है, टेक का चैनल है, ये वीडियो बनाता है टेक में, उसमें लमसम 10,000 सब्सक्राइबर है, और इसका फर्स्ट पेमेंट भी आया, भला आया उसका फर्स्ट पेमेंट, और ये बहुत ही मेहनत करता है, और ये इसका मतलब अब मैं अब क्या बोलूँ, बहुत ही स्ट्रगल करता है गाइस। अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये थोड़ा बहुत तारीफ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत सभी करते हैं गाइस, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है, तो हाँ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कितना भी मेहनत तो कुछ भी करना मैं करूँगा, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर बीरू जो है ना, इसका भी टिकटॉक पे एक अकाउंट था, लगभग 1,00,000 फॉलोअर था, तो थोड़ा ग्रोथ होने लगा, तो हमारे गांव के थोड़े हेटर से है, अब कहाँ के पता नहीं है, इसके अकाउंट में रिपोर्ट मार मार के उसका अकाउंट डिसेबल करा दिया गया। तो देखो यार यहाँ पे हेटर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसके टांग खींचने का काम मत कीजिए, बराबरी करने की कोशिश कीजिए, मेहनत आप भी कर सकते हैं, आप भी उस लेवल पर जा सकते हैं, तो हाँ आप लोग खुद का अपना क्रिएटिविटी दिखाइए ना, लोगों को गिराने में ये सब करने में कुछ भी नहीं रखा है, अगर आप चाहोगे तो आप भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो कंटेंट था वो ओरिजिनल कंटेंट था, खुद का क्रिएटिविटी, मतलब ये कॉमेडी करता है तो ये कॉमेडी का मतलब वीडियो डालता था, शॉर्ट वीडियो वो टिकटॉक पे, तो हाँ खुद का कंटेंट था, उस पर भी लोगों ने रिपोर्ट मार के आईडी डिसेबल करा दिया, तो हाँ आप लोगों से यही बोलूंगा कि जो आगे बढ़ता है उसको सपोर्ट कीजिए, तो ये सच बोल रहा है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं ना, लोगों को लग रहा है क्या कर रहा है यार, पागल है कि क्या है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे गांव में लोगों का यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, यहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों को देखा है बोलने भी नहीं आता यूट्यूब, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे क्रिएटर्स आगे बढ़ जाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा, तो बस आप ही का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट और कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग जिस लोकेशन पे जाने वाले हैं वो कौन सा लोकेशन है अभी नहीं बताएंगे, वरना सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक वहाँ पे सामने ही है गाइस, अब हम पानी पड़ रहा है, तो गाइस यहाँ पे बारिश का भी माहौल हो चुका है, अभी जस्ट अभी मतलब ठीक हम लोग वहाँ पे पहुंचने वाले हैं, अभी जस्ट मतलब हम लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही बोलना चाहता हूँ, बहुत मेहनत लग रहा है। तो गाइज फाइनली डेस्टिनेशन की ओर पहुंच चुके हैं, एंड गाइज इस लोकेशन का नाम है ढाका बॉर्डर, या गाइज ये लोकेशन है नेपाल में सर्लाही जिला के एक छोटे से टाउन मलंगवा में पड़ता है, एंड गाइज ये जो लोकेशन है आप लोग सामने से देख लीजिए गाइज, ये जो लोकेशन है टिकटॉक वीडियो के लिए, रील्स वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ही फेमस है मेरे गाँव में, वहाँ तक मैं आप लोग को चल के दिखाऊँगा सारा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एंड सिनेमेटिक्स भी लगा दूंगा सब कुछ आपके सामने। पॉपुलर है मेरे गाँव, जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड आप लोगों को सामने की तरफ वहाँ पे पूरा लेके चलेंगे, पूरा दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ये जो पूरा इलाका है गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये सब टिकटॉक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी लोग
यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इलाका, वहाँ पर सामने की तरफ ज़्यादा वीडियो शूट किया जाता है। गाइस हम लोग का वीडियो पूरा अभी कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर सामने वाला के लिए हम लोग यहाँ सीधा, आप लोग देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कितना ज़्यादा वहाँ पर बारिश हो रहा है, और सामने की तरफ टिकटॉक वीडियो लोग बना रहे हैं, वहाँ पर दिखाया जब आते कुछ ना कुछ मतलब मुसीबत हो जाता है। यहाँ पर आ जाए पानी पड़ा कल, मतलब उसी भी हम लोग इसी दिन पड़ा है, मतलब इसी जगह आए थे तो हमारा मेमोरी जो कम हो गया। मैंने आपको बताया आगे हम लोग जब कैमरा खोलते हैं कोई ना कोई ट्रैक्टर वाला आ जाता है। एक मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत है गाइस, जब भी मैं घर पे वीडियो शूट करता हूँ तो लाइट कटना ही कटना है, और मार्केट में यहाँ आता हूँ तो ट्रैक्टर व्हीकल गाड़ी वाड़ी ये आना ही आना है, ठीक है, और पूरा वीडियो कचरा कर देता है। ये मेरे साथ सीन है, आपके साथ क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हमारा जो लोकेशन अब यहाँ पे खत्म होने वाला है, हम लोग सीधे वहाँ से आ रहे हैं, देखिए वहाँ से आ रहे हैं कि बारिश कितना हो रहा है, आप लोगों के लिए पूरा भीग चुके हैं गाइस। और ये हमारा नाश्ता यहाँ पर देखिए, गरम गरम समोसे इतनी बारिश में बैठकर हम लोग खा रहे हैं, खड़ा होकर वहाँ पर बारिश हो रहा है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ। तो गाइज हम लोग अपने डेस्टिनेशन लास्ट एकदम एग्जिट पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो है पानी फैक्ट्री है, ठीक है, ये पानी फैक्ट्री आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, पूरा बारिश में हम लोग भीग चुके हैं, पता नहीं तबीयत वबीयत सब खराब हो जाएगा इसका तो अभी चालक खराब है। और गाइज हमारा जो लास्ट लोकेशन है वो यही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा टिकटॉक वीडियो शूट किया जाता है, ये देखिए, तो आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं। एंड गाइस ये जो प्लेस है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिकटॉक वीडियो, रील्स वीडियो, ये सारा कुछ यहाँ पे शूट किया जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये इलाका, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना ढाका बॉर्डर मलंगवा नेपाल, तो ये वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा है, तो गाइस एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर में यहाँ पर कुआं टाइप का खाना हुआ है, क्या है मुझे पता नहीं, वो भी आप स्विमिंग पूल है गाइस, भैंसी नहाता है, 50 पर लेकर भैंसी को नहाया जाता है, मजा कर रहा है सब, ये पेड़ वेड़ सब यहाँ पे गिरा पड़ा है, सब कुछ यहाँ पे गिरा पड़ा है। तो ये देखिए गाइस, पता नहीं क्यों यहाँ पे इसको खन के रखा गया है, शायद पोखरी वोखरी यहाँ पे कोई काम होगा। हम लोग जंगल में है अभी, छोटा सा जंगल, बस यही है और कुछ नहीं, वहाँ पे खेत है, यहाँ पे खेत है, चारों तरफ खेत है और कुछ भी नहीं, दर्शन कर लिया। यहाँ पे एक भगवान का मंदिर है जहाँ पे पूजा हो रहा है हमारे लोकेशन पे, यहाँ पर देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। नाश्ता वास्ता हम लोग ने पहले कर लिया, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, बाप से आगे ब्लॉग में मिलते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर यही मंदिर है, हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन वर्शन कर लिया है और पूरा भीग गए ना। तो गाइस देखिए फाइनली यही लास्ट लोकेशन था, वीरू पूरा भेज चुका है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पूरा ढाका बॉर्डर को कवर कर लिया, अगर आप लोग ढाका बॉर्डर आते हैं नेपाल के सरलाई जिले के मलंगवा में आते हैं आप लोग, जो कि सीतामढ़ी के बॉर्डर साइड पड़ता है, वहां पर आते हैं तो ये जो इलाका है टिकटॉक के लिए फेमस है, पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया, इस वीडियो को देख के आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर पूरा सीन हम लोगों ने दिखा दिया, ये पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ तक लास्ट एंड तक हम लोगों ने दिखाया आपको। तो हाँ वीरू पूरा कवर हो चुका है ना? यस ब्रो, वीडियो एकदम मस्त है, मेहनत इतना लगा है कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, और आप लोग देख ही सकते हाल कितना बेहाल हो पड़ा है हम लोग का। तो आप लोग इसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब कीजिएगा, और ब्लॉग में भी और भी कुछ है, घर पर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी अभी हालत पूरा ख़राब है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इलाका है टिकटॉक के लिए कितना फेमस है, तो देखिए अभी सामने की तरफ टिकटॉक वीडियो, रील्स वीडियो शूट किया जा रहा है, वहाँ देखिए सामने की तरफ आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग है गाइस, तो वहीं पे अभी वीडियो शूट हो रहा है, तो लाइव एग्जांपल आपके सामने मैंने दिखा दिया है, ऑलमोस्ट पूरा चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरा चीज़, और ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। अब बहुत, अब यहाँ पे कुछ भी है नहीं ज़्यादा कुछ दिखाने को, बस ऐसा ही रोड है, चारों तरफ खेत है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यही सब कुछ है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो गाइस फाइनली अब हम लोग जाने वाले हैं घर पे, एंड यहाँ पे हम लोग आए आइसक्रीम खाने, ब्लॉग को एंड भी करना है, यहाँ पे भैया बना रहे हैं आइसक्रीम, और अगर आप लोग मेरे गाँव से ब्लॉग को देख रहे हो तो आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हो। तो भैया यहाँ पे बहुत प्यार से आइसक्रीम बना रहे हैं। वीरू कैसा है टेस्ट? ठीक है, अच्छा।
बहुत मस्त है गाइस। अब घर पे डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं घर पे जाके। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। एंड गाइज आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने सब कुछ ब्लॉग में दिखा दिया है, ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने कवर किया है एंड आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया है। गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर के लिए काफी सारा प्लानिंग चल रहा है। मैं बहुत सारे प्लान करके रखा हूँ फ्यूचर के लिए। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को अब से डेली ब्लॉग दूंगा, ठीक है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना होगा अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना प्लीज दोस्तों, जितना होगा सपोर्ट करना। ब्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है आपको पता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मैं जितना होगा अपने से 100% देने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को एक से एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना होगा शेयर करना। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए, तो नीचे लाल बटन है उसे दबा के प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल में ऊपर वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर दिए। दोस्तों खाना पीना पूरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड वीडियो का एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। एंड दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं, बहुत लेट हो चुका है, अब मैं भी जाता हूँ सोने। तो व्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं गाइस कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।